हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूँ अंजलि कुंतल। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या कराने वाले हैं, करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता होगा कि 7:30 बज गए हैं और 7:30 बजे हमारी डेली करंट अफेयर क्लास लाइव होती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी के पास, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी के पास और लाइव बुला लो सबको। ओके, तो देखो हम बात करने वाले हैं कि आज क्या है, आज 30 अक्टूबर है। तो हमारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, हम उन सब की बात करने वाले हैं। तो देखो जैसे कि चलते हैं अब हम, इस अक्टूबर करंट अफेयर मतलब जितने भी हमारे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं कि सबसे पहले जो हम बताते हैं आपको कि हमारा जो भी हमारा डे होता है उसकी बात करते हैं। तो अगर बात की जाए कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस। ओके, कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तीस अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व बचत दिवस। विश्व बचत दिवस जो है वह 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी। तो देखो जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि यह दिवस जो है वह किस लिए मनाया जाता है, इसका मतलब जो मतलब क्या होता है इसे मनाने का। तो देखो एक मिनट, क्लास सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही चल रही है क्लास। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखो अब जो हम बात करने वाले हैं कि हमारा मतलब जो आगे जो क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट, उनकी बात करने वाले हैं। आई होप कि आपके पास आवाज़ भी अच्छे से जा रही होगी। चलो अच्छी बात है कि आपके पास आवाज़ भी अच्छे से जा रही होगी। तो देखो हम बात करने वाले हैं आगे जो हमारे क्वेश्चन जो होंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि यह दिवस जो है वह किस लिए मनाया जाता है। यह दिवस सभी व्यक्तियों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ओके, तो इसमें ऐसा कोई खास है नहीं। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे अहिट मार्केट GDAM नामक बाजार खंड लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने क्या है क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में कृषि मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे एहिट ए एच ई ए डी
ग्रीन डे एहिट मार्केट, इसका वो क्या है, जी डी ए और एम नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है, नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे एहिट मार्केट GDAM नाम का बाजार खंड जो है लॉन्च किया है? तो अगर बात की जाए यह किस मंत्रालय ने किया है, तो यह किया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। एक मिनट, ब्लू ही ले लेते हैं। क्या है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे एहिट मार्केट मतलब GDAM नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए आप इसे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता, हाल ही में किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता, हाल ही में किस सिनेमा के पावर कहे जाने वाले अभिनेता हाल ही में किस सिनेमा के पावर कहे जाने वाले अभिनेता पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है। निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, मतलब वह किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले नेता थे, पुनीत राजकुमार, और उनका हाल ही में निधन हो गया। तो यह किस सिनेमा के थे, यह थे कन्नड़ सिनेमा के। ओके, किसके फ्रेंड्स, किसके थे, कन्नड़ सिनेमा। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता
पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले है हमारा कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस जो है यह मनाया जाता है। ओके, और इसके बाद किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन डे एहिड मार्केट GDAM नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है? तो यह किया है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ओके, इसके बाद हाल ही में किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है? तो यह किस सिनेमा के हैं? यह कन्नड़ सिनेमा के हैं। ओके, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन है हमारा कि किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने हाल ही में द The Changing Wealth of Nation Wealth of Nation 2021 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्था ने द चेंज वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 की रिपोर्ट जारी की है? तो यह किस संस्था ने की है फ्रेंड्स? यह की है, किसने की है? विश्व बैंक ने। ओके, किसने की है? यह विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। ओके, नोट कर लीजिए आप इसे। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नोट कर लीजिए पहले आप इसे। तो देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर बात की जाए कि ये जो रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया जो है वह सबसे अधिक नुकसान होता है उसमें।
और मतलब जो रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ है कि मानव पूंजी विश्व में धन का सबसे बड़ा स्रोत था वर्ष 2018 में। इसमें कुल वैश्विक संपत्ति का 64% शामिल है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये जो रिपोर्ट है यह वायु प्रदूषण की वजह से मानव पूंजी को नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। ये मतलब रिपोर्ट जारी की है उससे पता चला है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है? तो यह है कन्नड़ सिनेमा के। ओके, तो देखो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो यह कितने वर्ष और बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ाया गया है 3 वर्ष और। ओके, कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 3 वर्ष। तो केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष और बढ़ा दिया है। ओके, तो अगर बात की जाए कि इनका जो कार्यकाल है जो ख़त्म कब हो रहा था, तो इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को जो है वह ख़त्म हो रहा था, इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया है इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रहा था, अब 2024 तक कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष बढ़ा दिया है। पहले इनका जो कार्यकाल था, मतलब अगर पहले हिसाब से देखा जाए तो इनका कार्यकाल 10 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था जो 10 दिसंबर 2021 है, बट 3 वर्ष और बढ़ा दिया है तो अब इनका कार्यकाल 2024 तक रहने वाला है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए आप इसे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पहले था हमारा कि किस संस्था ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 की रिपोर्ट जारी की है? तो यह की है विश्व बैंक ने। ओके, इसके बाद कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया है। पहले कितना था? 10 दिसंबर 2021 को इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा था, और अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2024 तक कर दिया है। ओके, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि देखो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देश शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंच गए हैं? एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देश में शामिल होने के लिए G20 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में शामिल होने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंच रहे हैं? किस देश में पहुंच गए हैं? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में पहुंच गए हैं? तो यह इटली में पहुंच गए हैं। ओके, किस देश में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स? इटली में। इटली पहुंच गए हैं। ओके, तो देखो अगर बात की जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह इटली के रोम में पहुंच गए हैं। इटली के रोम, आपको पता होगा ये तो कि रोम जो है वह कहाँ है? इटली में है। तो इटली के रोम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तो यह जो है ये जो शिखर सम्मेलन है तो यह 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेंगे। ओके, तो यह कब तक होगा? एक मिनट, सॉरी, तो यह जो है यह 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो यह 30-31 अक्टूबर तक होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम में पहुंच गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि यह 30-31 अक्टूबर तक होने वाला 16वां है, आपको याद रखना है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है वह अब की बार के वहाँ है वह 16वां है, तो वह इटली के रोम में मतलब पहुंच गए हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसे। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो
तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो और कौन सी बैंक है, वह है HDFC बैंक। ओके, किस बैंक ने फ्रेंड्स, HDFC बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और HDFC बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। ओके, नोट कर लीजिए आप इसे, आ गया समझ, चलो अच्छी बात है, तो नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लॉक कर दूं, क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने एशियाई विकास बैंक और किस बैंक से COVID-19 टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? भारत ने एशियाई विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक और किस बैंक से COVID-19 टीके खरीदने के लिए टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? ऋण के लिए
आवेदन किया है। ओके, तो भारत ने एशियाई विकास बैंक और किस बैंक से कोविड-19 टीके खरीदने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है? तो देखो, अगर बात की जाए तो यह किसके साथ क्या है या किस बैंक के लिए क्या है, यह क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक से कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए, मतलब जो है इंडिया ने आवेदन किया है, मतलब उनसे ऋण के लिए आवेदन किया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके मैम, कर लिया नोट, चलो अच्छी बात है। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो रफ कर दो हम इसे। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एनसीएलटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, एनसीएलटी के नए अध्यक्ष जो हैं वह कौन बने हैं? तो अगर बात की जाए तो यह कौन बने हैं, यह बने हैं, कौन बने हैं, अशोक भूषण। तो ये है कौन, यह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक भूषण। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक भूषण। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अशोक भूषण जो हैं वह एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय औषधि, देखो वैसे हम इस क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं पर चलो फिर भी बता देते हैं, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक कौन बने हैं, राष्ट्रीय राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक कौन बने हैं,
बने हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। कौन बने हैं फ्रेंड्स? डॉक्टर राहुल गुप्ता। ओके, डॉक्टर राहुल गुप्ता जो है वह राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक बने हैं। ओके, तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान भारत का पहला मानव युक्त समुद्री अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? भारत का पहला समुद्री अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताओ। उसका नाम बताओ। भारत का पहला समुद्री अभियान शुरू हुआ है, भारत का पहला मानव युक्त समुद्री अभियान, सॉरी, भारत का पहला मानव युक्त समुद्री अभियान शुरू हुआ है, भारत का पहला मानव युक्त समुद्री अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बताएं तो उसका नाम है समुद्रयान। समुद्रयान जो है उसका नाम है। ओके, तो नोट कर लीजिए आप सभी। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार मतलब किसे मिला है, मतलब किस राज्य को या किसे मिला है? तो देखो, क्वेश्चन है हमारा कि देखो, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार मिला है। सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार मिला है। परिवहन का पुरस्कार मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार मिला है। ओके, तो नोट कर लीजिए आप सभी।
और कोच्चि को सबसे स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है और कोच्चि को और कोच्चि को सबसे स्थायी कोच्चि को सबसे स्थायी परिवहन प्रणाली परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। के लिए सम्मानित किया गया है कोच्चि को सबसे स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। ओके और उसके बाद एक और बताते हैं तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली को और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के लिए शहरी विकास मंत्रालय के लिए दिल्ली को सम्मानित किया गया है ओके तो नोट कर लीजिए आप सभी। ओके फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आप सभी। यस मैम हो गया नोट कर लिया नोट। चलो अच्छी बात है। तो देखो फ्रेंड्स अब आज के लिए हमारा इतना ही है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आपको आना होगा 10 बजे हिंदी की क्लास में, उसके बाद 11:30 बजे मैथ और शाम को 4 बजे रीजनिंग और 8 बजे GK JS स्पेशल। ओके फ्रेंड्स तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी के पास और टाइम टू टाइम लाइव भी आना है। ओके सॉरी तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी के पास। ओके तो अब आपको आना होगा और जैसे कि आपको पता होगा कि SSC GD का हमारा जो मतलब जो कोर्स है वो हमारा फ्री हो गया है, वैसे हमारा एक आध चैप्टर जो रह गया है वो हम आपको आज करा देंगे और उसके बाद हमारा क्या रहेगा रिवीजन क्लास रहेंगी और जो भी मतलब रिवीजन क्लास मॉक टेस्ट जो भी रहेगा हमारा उसके बाद रहेगा। ओके तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग।